हमारे स्कूल के जो शिक्षा में साथी वो भी पढ़ाते हैं और वो ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, जी क्योंकि हम इंचार्ज हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। हम दिन भर कागज बनाते हैं, निपुण भारत बनाते हैं कागज में, रियल में बना पाए या ना बना पाए कागज में बनाते हैं। तो अगर स्कूल शिक्षा में साथी ना चलाए तो हेडमास्टर, और अगर अकेले हैं तो निपुण दिन भर कागज में बनाएंगे, अगर एक अध्यापक हैं तो मिड डे मील संभालेंगे जी। और जी पीएलओ में भिड़ा दिए हैं सबको। हाँ पीएलओ चुनाव में आप ड्यूटी लगा, चुनाव में आप ड्यूटी लगा रहे हो, वहां शिक्षा में सजग है, अनुदेशक सजग है, निपुण है, होशियार है, जिम्मेदार है जी। तो कहीं ना कहीं मैं आदरणीय योगी जी से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, 1,60,000 शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, पैर पड़ के, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे बगल के जिले के हैं, हमारी उनके प्रति आस्था है। हम जात के भले कायस्थ हैं लेकिन हिंदू हैं, और हिंदुओं की बाबा गोरखनाथ पर एक अपूर्व आस्था है। मैं उनसे विनम्र अनुरोध है, पैर पकड़ के अनुरोध है कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो ही गई हो तो वो बहुत बड़े हैं। एक तो हमारे आराध्य हैं, महंत हैं एक बहुत बड़े मठ के, दूसरे आज हमारे प्रदेश के संरक्षक हैं, हमारे मुखिया हैं। तो शायद किसी ने कहा है, मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हम लोगों को छोटा मान के, अपना पुत्र मान के या शिष्य मान के माफ करते हुए अब हम लोगों क्या, कम से कम देखिए शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की जवानी तो चली गई, बिल्कुल 22 साल हो गया। मैं खुद 18 साल शिक्षा मित्र था जी। और हमारे साथी, हमारे शुक्ला जी हैं, देखिए जिला अध्यक्ष हमारे बस्ती के हैं, 1 नंबर से फेल हैं, ऐसे तमाम लोग फेल हैं। उनको भी आप नौकरी नहीं दे रहे हो क्योंकि वो शिक्षा मित्र हैं। उनको पता है कि जो 1 नंबर से पास होके मास्टर बनेगा वो शिक्षा मित्र है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया है मामला। अगर अभी कोई प्रवीण जी रोकेंगे आपको, हमारे साथ संतोष भट्ट जी हैं, इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। संतोष भट्ट जी कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई बार हम लोगों ने चर्चा भी किया, आप भी रहे हैं। जो मूल समस्या हम शिक्षा मित्रों की आती है जब भी डिबेट होता है, तो मानदेय की बात आती है और काम की चर्चा होती है। काम में ₹10,000 के मानदेय में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और ₹10,000 का मानदेय, ₹9,000 का मानदेय, और उसी ₹9,000 में अनुदेशक केस भी लड़ रहे हैं। 2017 में ₹17,000 हुआ था और तब से लेकर के आज वो केस लड़ रहे हैं। लालता प्रसाद जी हमारे साथ हैं। लालता जी, क्या कुछ देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं?